हेलो एवरीवन, वेलकम इन रसीली रसोई। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ते, जिसे मैं आज आपको घर पर ही बनाना बताऊंगी। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू, ग्रेट किया हुआ पनीर, अदरक और धनिया पत्ता, हरी मिर्च ली है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसके अंदर मैंने जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मैंने घर पर ही पनीर बनाया था, जिसे मैंने अच्छे ले लिया है और मुझे इसे ग्रेट नहीं करना पड़ा। अगर आप बाजार से लाया हुआ पनीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, जिससे कि हमें अच्छे से फॉर्म में मिल जाए। तो इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। आप अपने बैटर के अकॉर्डिंग मैदा ऐड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा सा पतला है, तो आप अपने मिक्सचर में 1 चम्मच मैदा और ऐड कर लीजिए, या फिर अपने उसके अकॉर्डिंग मैदा ऐड करनी है आपको बैटर के अकॉर्डिंग। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। नमक मैंने स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर लिया है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा अच्छे से मिक्सचर रेडी हो गया है पनीर कोफ्ते का। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें से एक गोली बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो इसे ग्राउंड शेप में बनाइए, अगर आप चाहते हैं तो इसे सिलेंडर शेप में बनाइए। जैसे भी आपको अपने कोफ्ते बनाने हैं उस तरीके से आप इसे बनाइए। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब मुझे अपने कोफ्ते फ्राई करने हैं। तो देखिए, मैंने एक कोफ्ता डाला, फिर मैंने दूसरा कोफ्ता भी इसमें डाल दिया है। अब मुझे सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई करने हैं। जब भी आप मलाई कोफ्ते बनाएं, तो पनीर जब भी आप बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि हमें कोफ्ते को डालने के बाद कढ़ाई में टच नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इन्हें टच कर दिया तो हो सकता है कि ये फट जाए। अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो तो आप उसके अंदर अपने बैटर में थोड़ा सा मैदा और मिक्स करके इन्हें थोड़ा और टाइट कर लीजिए। इनका जो मतलब गुथा हुआ जो आटा है या जो गुथी हुई लोइयां हैं, उनको अच्छे से और टाइट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारे कोफ्ते दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करने के बाद निकाल लूंगी और मुझे इसके बाद जो बाकी बचे हुए हमारे कोफ्ते हैं वो भी मैं इसमें डाल लूंगी। और इसी तरीके से मुझे इसको पलट पलट करके फ्राई करना है। ये देखिए, ये थोड़े से कच्चे रह गए हैं। मैं इसको देख लूंगी कि ये पके हैं कि नहीं, और अगर ये पक गए हैं तो मैं इन्हें अच्छे से निकाल लूंगी बाहर। देखिए, हमारे कोफ्ते बिल्कुल पक गए हैं और मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब चलते हैं हम हमारे आगे के प्रोसेस की तरफ, जिसके अंदर मैंने एक तेल ले लिया है। उसके अंदर मैंने जीरा, अजवाइन, ये मैंने हींग इसमें ऐड की है, और मैं इसके अंदर एक इलायची, जिसको तोड़कर मैं इसमें ऐड कर लूंगी, ग्रीन वाली। और ये मैंने इसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा डाला है, ये इलायची डाली है मैंने आपके सामने। अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी। ये जब अच्छे से भून जाएंगे तो मुझे इसके अंदर हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। और बाकी मैं इसके अंदर सारी चीजें ऐड करने से पहले 2 ग्रीन चिल्ली भी मैंने कट करके डाल दी हैं। और अब मैं इसके अंदर प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल दूंगी। प्याज के पीसेस मैंने इसलिए बड़े कट किए क्योंकि मुझे इन्हें अच्छे से भूनना है, और भूनने के बाद मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ये सारे प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं। कुछ देर बाद मैं इन्हें भूनूंगी। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, इनको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। ये ग्रेवी आप जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से कम ज्यादा बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने नमक डाल दिया। नमक डालने से हमारी जो भी प्याज है, टमाटर है, वो अच्छे से पक जाएंगी, अच्छे से गल जाएंगी, और मैं उन्हें निकाल के अलग कर लूंगी। अब मैंने एक उसी कढ़ाई के अंदर बटर डाला है और थोड़ा सा तेल डाला है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और हल्दी डालूंगी। ये सब पक जाएंगे। उसके बाद मैं जो मैंने टमाटर और प्याज फ्राई किए थे उनकी मैंने ग्रेवी बना ली है, बहुत ही अच्छी से ग्रेवी बना ली है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से चला लूंगी, मिक्स कर लूंगी, और ये सारी चीजें मुझे पकानी है बहुत अच्छे तरीके तक। और जैसे ये सारी चीजें पक जाएंगी, ये देखिए हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट के लिए 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर दूंगी। और आप जब भी आप मलाई कोफ्ता बनाएं तो कोफ्ते हमें ग्रेवी में कभी नहीं डालने होते, क्योंकि अगर हमने इन्हें ग्रेवी में डाल दिया तो ये हम लोग मतलब हमारे कोफ्ते बहुत ज्यादा गल जाते हैं। इसलिए जब भी हम कोफ्ता बनाएं, हम सर्व करने के बाद इसके ऊपर से कोफ्ता डालते हैं। और मैंने इसके अंदर हल्का सा दूध ऐड किया है। अगर आपकी ग्रेवी थिक है तो आप इसमें दूध ऐड कीजिए। आप चाहें तो इसके अंदर व्हाइट ग्रेवी देने के लिए मलाई भी ऐड कर सकते हैं।
और इस तरीके से देखिए हमारी ग्रेवी रेडी है और ये मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है और ये हमारी ग्रेवी तैयार है। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं और इस तरीके से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। देखिए ये मैंने कोफ्ते बनाए हैं, ग्रेवी के ऊपर मैंने इसे ऐड किया और इसी तरीके से इसे खाया जाता है।